अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से फॉल के लिए मैंने टेबल सेटिंग की है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और कौन सी चीज़ें मैं यूज़ करूंगी फॉल के टेबल सेटिंग के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत ही सिंपल मैंने इस टाइम में कलर चूज़ किया है, तो बहुत ही न्यूट्रल कलर्स होंगे, तो बहुत ही लाइट कलर्स के साथ हम टेबल सेटिंग करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ले ली है, तो मैं आपको एक के बाद एक दिखा भी दूँगी कि कौन सी चीज़ें मैंने ली है, फिर उसके बाद में हम करेंगे टेबल सेटिंग। तो यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने ले लिया गोल्डन कलर के स्पून्स और फोर्क, ये हम यूज़ करेंगे। और उसी के साथ यहाँ पर मैंने ले लिए प्लेट्स मैट्स, तो ये मैंने रिसेंटली ऑर्डर किए थे अली एक्सप्रेस से। ये बर्लैप के बने हुए हैं और इसके साथ लेस लगी हुई है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, ये हम यूज़ करेंगे टेबल सेटिंग के लिए। और उसी के साथ मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था ये रनर, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। ये काफ़ी अच्छा है, लेस की तरह है और काफ़ी अच्छा मुझे लगा था, तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे टेबल सेटिंग के लिए। और उसी के साथ थोड़ा सा मैंने कलर देने के लिए ये ग्रीन मेरे पास ब्रांचेस रखे हुए थे वो मैंने लिए हैं, और कैंडल होल्डर्स मैंने लिए हैं, उसको भी ऐड करेंगे हम। और यहाँ पर मैंने लिए हैं प्लेट्स, और इसके लिए यहाँ पर ली मैंने ये सैलेड प्लेट, तो ये बहुत ही खूबसूरत से सैलेड प्लेट्स है, तो ये ब्राउन कलर में, डार्क ब्राउन में, क्रीम के साथ डार्क ब्राउन में, तो ये बहुत अच्छे से जाएंगे ये सारे मेरे फॉल के डेकोर के साथ, तो इस वजह से मैंने ये लिया है। और यहाँ पर मैंने ये डिनर प्लेट्स लिए हैं जो मैंने आइकिया से लिए थे, तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे। और उसी के साथ यहाँ पर मैंने ले लिए ब्राउन बॉटल्स जिसमें मैंने लगाए हैं बनी टेल्स और ड्राई फ्लावर्स, तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है क्रीम और ब्राउन का, इसलिए मैंने ये ग्लास बॉटल्स लिए के ताकि उसमें अच्छा सा कलर ऐड हो, तो ये हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिए ये वुडन ट्रे जो हम ट्रे की तरह यूज़ करेंगे, तो वो यहाँ पर है। और यहाँ पर मैंने ये ले लिया है वॉस, बड़ा सा एक वॉस है जिसमें मैंने लगाए हैं पम्पस क्रास, तो इसका काफ़ी अच्छा कलर है, ब्राउन सा कलर है बम्पस क्रास का, वो मैंने लगाया है। यहाँ पर मेरे पास ये वुडन गार्लिन है, तो उसको भी हम यूज़ करेंगे। और उसी के साथ यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ये नैपकिन्स जो ऑफ वाइट कलर में है, तो ये नैपकिन्स हम यूज़ करेंगे। नैपकिन होल्डर्स के लिए ये मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था ये वाले नैपकिन होल्डर जो वुडन बीट्स के साथ है, जिस तरह से मेरे पास गार्लिन है उसी के साथ ये अच्छे से मैच भी हो रही है, तो ये हम इसके साथ यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ये प्लेन ग्लास जो हम यूज़ करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो हम टेबल सेटिंग में यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ों के साथ अब हम शुरू करते हैं अपनी टेबल सेटिंग। तो अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है ये एक रनर जो मैंने लास्ट टाइम अपने टेबल सेटिंग में यूज़ किया था, तो ये हम पहले यूज़ करेंगे क्योंकि इसका कलर बर्लैप से मिलता हुआ है, लेकिन ये बर्लैप नहीं है, तो मैंने इसको यूज़ किया है ताकि मैं अपने लेस वाले रनर को अच्छा सा एक बैकग्राउंड दे सकूँ जिस तरह से मेरे मैट्स है, तो पहले मैंने इसको रखा है, उसके ऊपर हम अपना लेस वाला रनर रखेंगे। इसके बाद में मैं रख लूँगी मैट्स को। तो अब इसके बाद हम करेंगे सेंटर पीस की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ये वुडन अपना ट्रे रख दिया है, उसके ऊपर मैं रख दूँगी वो बड़ा सा वेज जो मैंने आपको बताया था, वो हम इसके ऊपर रख देंगे जिसमें मैंने पम्पस क्रास लगाई हुई है। उसी के साथ मैं यहाँ पर ये गार्लिन को, ये वुडन गार्लिन जो मेरे पास रखी हुई है उसको मैं इस तरह से कुछ रख दूँगी। यहाँ पर ये जो ग्रीनरी रखी हुई है उसको मैं कुछ इस तरह से प्लेस करूँगी। दोनों साइड पे मैं सेम ही रिपीट करूँगी जिस तरह से हमने फर्स्ट साइड पे किया है।
उसके बाद मैं ये ब्राउन वॉश को ऐड कर दूंगी। दोनों साइड पे मैं एक एक रख दूंगी। जब भी आप टेबल सेटिंग करें डिफरेंट हाइट के आप चीज़ों को रखें तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर रख दिया है कैंडल। तो बस मैंने इतना ही रखा है सेंटर के लिए, ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की है क्योंकि मुझे सिंपल सा चाहिए था। तो बस वो हो गया हमारा सेंटर पीस। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी प्लेट्स को। प्लेट्स के ऊपर रख देंगे हम अब सैलेड प्लेट्स को। इसके बाद मैं यहाँ पर रख दूंगी स्पून और फोर्क। अब मैं रख दूंगी नैपकिन्स को। नैपकिन्स को मैंने कुछ इस तरह से मैंने लगा दिया है तो उसको हम रख देंगे। तो अब मैं ऐड कर दूंगी ग्लासेस को। तो कुछ इस तरह से कंप्लीट लुक आया है मेरे डाइनिंग टेबल का जो हमने किया है फॉल के लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये कलर्स कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे लगे हैं। न्यूट्रल सा कलर है और काफ़ी खूबसूरत सा ये लग रहा है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर से बताना कि कलर कैसे लगे, कॉम्बिनेशन किस तरह से लगे और टेबल सेटिंग आपको कैसी लगी, तो ज़रूर से मुझे कॉमेंट में बताना कि किस तरह से आपको लगा है। अगर आपने मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं जो फॉल के लिए मैंने डाले हैं, लिविंग रूम का, कॉफ़ी बार का, किचन का, बेडरूम का, तो उसको ज़रूर से चेक करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो एंड में मैंने डे लाइट में इसको शूट किया है क्योंकि ये मैंने रात के टाइम पे शूट किया है और आजकल वेदर इतना अच्छा नहीं है तो लाइटिंग काफ़ी मुश्किल है कि अच्छी लाइटिंग मिलना। तो इस वजह से आप उसको एंड तक ज़रूर देखें तो आपको पता चलेगा कि डे लाइट में किस तरह से नज़र आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।